Hello, my dear friends. Our topic is the petroleum refining part 5 because part 1, 2, 3 and 4 already study kar chuke hain. I hope like my video. Every question is very important for chemical engineering. So start. First question. Tanks used for storage of petroleum product should be painted with a paint. Jo petroleum product storage tank hote hain, unko storage karne ke liye kis paint ka dwara उनको पेंटेड किया जाता है. ऑप्शन ए ब्लैक कलर, ऑप्शन बी वाइट कलर, ऑप्शन सी रेड कलर, ऑप्शन डी येलो कलर. इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाइट कलर, बिकॉज वाइट कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एज कम्पेयर टू अदर कलर सच एज ब्लैक कलर, रेड कलर एंड येलो कलर. दीज कलर्स आर डार्क कलर, डार्क कलर्स आर गुड एब्जर्वर ऑफ हीट एंड लाइट. सो दिस पर्पज आर यूज फॉर ब्लैक वाइट कलर फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टोरेज टैंक. बी इज करेक्ट आंसर वाइट कलर. सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सीट एंड नंबर ऑफ डीजल यूज इन ए ट्रक्स मे बी अबाउट. ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 85. आप जानते हैं कि जो डीजल का हम सीट एंड नंबर यूज करते हैं एंड जो गैसोलीन या पेट्रोल है उसका हम ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जनरली जो इंजन्स ऑपरेट करते हैं हम वो 40 से 55 के बीच में सी टेन नंबर का डीजल यूज करते हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ब्लैंक्स टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन. कौन सा टेस्ट डन किया जाता है बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट पाने के लिए. ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी बाल एंड रिंग, ऑप्शन सी फ्लैम, ऑप्शन डी विस्कोसिटी. जो हम सॉफ्टनिंग पॉइंट पाने के लिए बिटुमिन का वो टेस्ट डन करते हैं, हम बाल एंड रिंग नाम का कोई टेस्ट डन करते हैं. सो ए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बाल एंड रिंग टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन. बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ब्लैंक डिटर्मिनेशन इज नॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर गैसोलीन. गैसोलीन के लिए कौन सा टेस्ट नॉट सिग्निफिकेंट है एंड इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑप्शन ए गम एंड सल्फर कंटेंट, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन डी रेड वेपर प्रेशर. हम जो गैसोलीन में ये भी डिटरमाइन करते हैं कि उसमें गम एंड सल्फर कंटेंट कितना है, विस्कोसिटी इसमें हम डिटरमाइन नहीं करते एंड ऑक्टेन नंबर भी उसका हम डिटरमाइन करते हैं. सो एंड वेपर प्रेशर भी उसका डिटरमाइन करते हैं. सो बी इज करेक्ट आंसर, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर गैसोलीन. बी इज करेक्ट आंसर, विस्कोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑल. इनमें से सबसे कम विस्कोसिटी वाला फ्रैक्शन कौन सा है. ऑप्शन ए नेफ्ता, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी ल्यूब ऑयल. जो इन चारों में से जो नेफ्ता है सबसे लोएस्ट विस्कोसिटी वाला प्रोडक्ट है. सो ए इज करेक्ट आंसर, नेफ्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. मरकैप्टेंस आर, मरकैप्टेंस क्या होते हैं. ऑप्शन ए लो बॉइलिंग सल्फर कंपाउंड, ऑप्शन बी एडेड इन एलपीजी सिलेंडर्स टू डिटेक्ट गैस लीकेज बाय इट्स स्मेल, ऑप्शन सी अनडिजायरेबल इन पेट्रोल एज दे रिड्यूस इट्स ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. सो जो हम मरकैप्टेंस जो एलपीजी सिलेंडर में जो स्मेल आती है वो एक्चुअली मरकैप्टेंस की आती है. जो हम डिटेक्ट करने के लिए इसमें एलपीजी सिलेंडर में डालते हैं वो मरकैप्टेंस डालते हैं फॉर डिटेक्टिंग टू लीकेज ऑफ सिलेंडर्स. इनको एलपीजी सिलेंडरों में डाला जाता है मरकैप्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए. सो एंड लो बॉइलिंग सल्फर कंपाउंड भी हैं ये एंड अनडिजायरेबल इन पेट्रोल. और इसकी क्योंकि ये इसकी ऑक्टेन नंबर को घटा देते हैं, गैसोलीन की ऑक्टेन नंबर को भी घटा देते हैं. सो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ए बी सी ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. पैराफिन बेस क्रूड ऑयल एज कम्पेयर टू एस्फाल्ट बेस क्रूड ऑयल गिव्स. ऑप्शन ए हायर यील्ड ऑफ सिट्रेट एंड गैसोलीन, ऑप्शन बी हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, ऑप्शन सी लोअर विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल, ऑप्शन डी पुअरर यील्ड ऑफ ल्यूब ऑयल. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज पैराफिन बेस क्रूड ऑयल एज कम्पेयर टू एस्फाल्ट बेस क्रूड ऑयल गिव्स हायर यील्ड ऑफ सिट्रेट एंड गैसोलीन. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.
True boiling point apparatus is used for the जो TBP apparatus को किसके के लिए यूज किया जाता है. ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टराइजेशन फैक्टर, ऑप्शन बी इवेल्युएशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू वेपर प्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. जो TBP apparatus को जो हम यूज करते हैं उसको हम करते हैं इवेल्युएशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स. बी इज करेक्ट आंसर, इवेल्युएशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. सॉल्यूशन यूज्ड इन डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्कैप्टेंस इज. मर्कैप्टेंस को रिमूव करने के लिए डॉक्टर किस नाम का सॉल्यूशन यूज करते हैं. ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम पलम्बाइट, ऑप्शन सी क्यूपेरिक क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटासियम आइसोबुटाइट्रेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सोडियम पलम्बाइट. सोडियम पलम्बाइट है एक टॉक्सिक एंड कोरोसिव सॉल्यूशन है ऑफ लेड ऑक्साइड. इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एंड यूज एज ए डॉक्टर सॉल्यूशन टू स्वीटेन द गैसोलीन. जो डॉक्टर है इस नाम का सॉल्यूशन गैसोलीन को स्वीटेन करने के लिए यूज करते हैं. सो बी इज करेक्ट आंसर, सोडियम पलम्बाइट नाम का सॉल्यूशन यूज करते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्कैप्टेंस. सो बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रू डिस्टिलेशन द कंटेंट ऑफ ब्लैंक्स फ्रॉम लाइटर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस. ऑप्शन ए सल्फर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी सल्फर डिक्रीजेज, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डिक्रीजेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सल्फर इंक्रीजेज. बिकॉज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड डिस्टिलेशन द कंटेंट ऑफ सल्फर इंक्रीजेज फ्रॉम द लाइटर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस. सो ए इज करेक्ट आंसर, सल्फर इंक्रीजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. फ्लैश पॉइंट ऑफ मोटर गैसोलीन मे बी अराउंड डिग्री सेल्सियस. मोटर गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट किसके अराउंड होता है. ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 150 डिग्री सेल्सियस. जो फ्लैश पॉइंट होता है मोटर गैसोलीन का वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस. सो बी इज करेक्ट आंसर, 45 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th. द कलर ऑफ गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स. जो गैसोलीन में जो कलर होता है वो किसको इंडिकेट करता है. ऑप्शन ए ऑक्टेन नंबर, बिकॉज हम गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर डिटेक्ट करते हैं. एंड ऑप्शन बी लेड ससेप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. जो गैसोलीन को जो इंडिकेट करता है कलर उसमें वो करता है गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग. सो सी इज करेक्ट आंसर, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग. हेलो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग पार्ट 5. अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए. आई होप लाइक एवरी क्वेश्चंस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग. इफ यू हैव डाउट पुट योर डाउट इन कमेंट्स बॉक्स. अगर आपने इंजीनियरिंग IQ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियरिंग IQ चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. गुड डे फॉर यू.